कुछ नहीं सर, हम लोग तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने ही सिस्टम के ऐसे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जहां हम कुछ करने की सोचते भी है ना सर, जैसे सामने ना हमें रेड सिग्नल दिखा दिया जाता है, रुक जाओ आगे मत बढ़ना, आगे बढ़ोगे तो एक और एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम भी ऐसे ही मार दिए जाओ। सर हम लोग सोसाइटी के ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जहां महज 100 रुपए में ऐसे आदमियों का ईमान दिख जाता है। इस औरत को इस फुटपाथ पे सोने के लिए इस आदमी के साथ सोना पड़ता है। और आप भी तो ये सब इसलिए कर रहे हैं ना सर कि आपका बॉस आपसे इंप्रेस हो जाए और आपको प्रमोशन मिल जाए। मिस्टर गोस्वामी ये केस कोर्ट में चलता है, किरण बेदी की आपकी कचहरी में नहीं। केस खत्म होते होते सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको लगता है न्याय मिलेगा इस लड़की को। आप तो छाप देंगे ना सर इस लड़की के एक्सीडेंट की सेंसेशनल स्टोरी, साथ में ये भी तो छापना होगा ना कि लड़की कौन थी, क्या करती थी। जब ये जिंदा थी तब तो इसके माँ बाप को नहीं पता होगा सर कि ये लड़की धंधा करती थी, तो आप अब क्यों बताना चाहते हैं? लोग तो एक दिन पढ़ेंगे, हंसेंगे और भूल जाएंगे सर, लेकिन इसके माँ बाप को जिंदगी भर की सजा हो जाएगी, जीते जी मर जाएंगे सर। और क्या गारंटी है सर, क्या गारंटी है कि आपका बॉस आपकी प्रेस ये सब सच छापेगी? दे सकते हैं गारंटी कि लोगों को सजा होगी? दीजिए गारंटी कि इस लड़की को न्याय मिलेगा। न्याय और इंसाफ दिलवाना है तो सबसे पहले सिस्टम की ट्रैफिक की गंदगी को साफ कीजिए, उसके बाद न्याय और इंसाफ की बात कीजिएगा सर।